हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है लड्डू गोपाल धीरज इस ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल डिश जो मैं आपको दिखाऊंगी। वो स्पेशल क्या है जब मैं वीडियो बनाऊंगी, जब डिश बनाऊंगी तब दिखाऊंगी, ठीक है? तो दोस्तों, अब आप देख के समझ ही जाएंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैं आलू को धो ली हूँ। अब मैं आलू को बॉयल करने के लिए कुकर में रख देती हूँ। आलू को बॉयल होने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है। यहाँ पे मैंने आटे को गूथने के लिए रख दिया है। उसमें अजवाइन और थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी डाल दिया। अब इसको मैं गूथ के लगभग 20 मिनट के लिए रख दूंगी। यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया है और उसको बारीक बारीक एकदम मिला दिया है करके। और फिर उसके बाद प्याज कट किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा लहसुन, अदरक, धनिया पत्ती और लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म कर दिया, फिर उसमें तेल डाला, फिर जीरा डाला। उसके बाद हम फोरन को डालेंगे। फोरन में मैंने प्याज को, लहसुन को, अदरक को और मिर्च को डाल दिया है और इसको अब हम फ्राई कर रहे हैं। इसमें हम कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। बिना मसाले का भी बहुत अच्छा बनता है। प्याज भून के एकदम लाल हो चुका है। अब इसमें हम आलू को ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं आलू पराठे के मसाले जो है, आलू जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसका कलर देख सकते हैं कितना लाजवाब है। अब इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। मैंने इसे ठंड होने के लिए प्लेट में रख दिया है। पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले हम तावे को रख देंगे और उसे थोड़ा गर्म करेंगे। पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले ये जो मसाला है आलू का बनाया हुआ, उसको भर लेंगे और इसमें से जो मिर्चा है खड़ा उसको निकाल देंगे। ओ, हरा मिर्चा भी हम डाल सकते थे लेकिन हम उसको इसलिए नहीं डालें कि ये जो लाल मिर्च है काफी सोना सोना लगता है और लाल मिर्च को निकाल देना है अलग। और फिर उसको ऐसे 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 करके फिर इसका ये भर गया। इसमें देखिए कितना अच्छा भरा है, भर के ये तैयार हो गया। इसको धीरे 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 ऐसे बेल लेंगे ताकि ये फूटे ना। और आराम से देखिए मेरा रोटी कितना अच्छा, ये पराठा जो है बेल के तैयार हो गया है। अब इसे मैं पका के दिखाती हूँ। अब इसको मैंने एक तरफ से पलट लिया है और फिर इसको धीरे धीरे करेंगे। उसके बाद फिर इसमें घी लगाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो पराठा है कितना अच्छा फूल चुका है चारों तरफ से, बहुत ही खूबसूरत, एकदम दो भागों में बट गया है। इसकी खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत पराठा, एकदम दोनों तरफ का छोड़ दिया है। आप भी ऐसे बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। इसको अभी हम सर्व करके आपको दिखाएंगे। देखिए इस पराठे को देख सकते हैं, क्या ही मस्त फूला है, क्या मस्त दिख रहा है ये पराठा। इसका कलर देख के आप लोग के मुंह में पानी आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों क्या ये मस्त पराठा बना है, बिल्कुल दो लेयर में। देख सकते हैं क्या मस्त पराठा है ये। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पराठा है बिल्कुल दो लेयर में बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल टेस्टी पराठा बना है। आप लोग भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।